जो मेरे हाथों में ये 10 रुपए का मिलने वाला पत्थर देख रहे हैं ना, ये आपके फेस को पूरी तरह से, आपके फेस का है ना, गेम चेंजर है। तो ये जो 5 से 10 रुपए में मिल जाने वाला पत्थर आप हमारे हाथों में देख रहे हैं, ये आपके स्किन के लिए इतने चमत्कार कर सकता है कि हम आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं। ये आपके स्किन से फाइन लाइंस को हटाता है, रिंकल्स को स्टॉप कर देता है, आपके स्किन को इतना टाइट और फर्म करता है कि आप इसको जब यूज करेंगे ना, तो एक ही बार में आप देखिएगा आपकी स्किन जो है कितनी ज्यादा टाइट हो गई है। आप इसको बार बार जरूर करेंगे। अगर आपके स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, आपकी स्किन जो है ढीली होती जा रही है, तो आप इसको यूज करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों ये है एलम, यानी कि फिक्री जिसे बोला जाता है। इसमें इतने सारे गुण होते हैं, इतने सारे अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा फायदे देते हैं। तो इसको लगाना और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और ये जो पत्थर, ये इतना गुणकारी है, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि अगर हम इसके गुणों को डिस्क्राइब करें तो हम नहीं कर पाएंगे। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे हाथों में आप फिटकिरी, जिसको कि एलम बोला जाता है। आप इसको गूगल पे डालिएगा, इसके इतने सारे स्किन बेनिफिट्स है। अब आप सब अच्छे से जानते होंगे ये जो फिटकिरी है ये कितनी ज्यादा गुणकारी, हमारे बॉडी पे कहीं चोट लग जाए, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, अगर वहां पे हमने फिटकिरी का यूज कर लेते हैं ना, तो ये पूरी तरह से ब्लड को स्टॉप कर देता है। जब आप इसको करिएगा ना, तो पहली बार में ही देखेंगे आपकी जो स्किन है कितनी ज्यादा टाइट आपको महसूस होगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसे आपको यूज कैसे करना है, मतलब आपको ये रेमेडी बनानी कैसी और आपको अपने चेहरे पे इसे लगाना कैसे। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हेलो, हाय, नमस्ते, मेरा नाम है काजल सिंह, मैं अपने चैनल पर स्किन केयर और हेयर केयर से वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप इस तरह के वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फिटकिरी लेना है, उसे आपको कूट लेना है, आपको मतलब पाउडर फॉर्म में उसको बना लेना है, और इसका जो पाउडर होगा बिल्कुल भी दरदरा नहीं चलेगा। आपको इसे अच्छे से पाउडर बना के फिर किसी छलनी से आपको छान लेना है, या फिर किसी कपड़े से छान लीजिए। आपको यहाँ पे ज्यादा पाउडर नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आधी चम्मच का ही इस्तेमाल करना है। तो अब इस पाउडर में आपको मिलाना है गुलाब जल, गुलाब जल यानी कि रोज वाटर, थोड़ा सा 1 चम्मच के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रोज वाटर को मिलाएंगे। रोज वाटर भी आपके स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन देगा, आपके स्किन को गर्मियों में बहुत ज्यादा फ्रेश एंड तरोताजा रखता है। तो रोज वाटर मिलाने के बाद ना आपको यहाँ पे यूज करना है एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपको प्लांट का लेना है प्लांट का ले लीजिए, या फिर मार्केट का लेना है मार्केट का ले लीजिए, दोनों ही चलेगा। तो एलोवेरा जेल जो है आपको उसको भी 1 चम्मच से थोड़ा कम लेना है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे आप। इसके बाद ना यहाँ पे हमें एक चीज और डालनी है, वो है ये गांठ वाली हल्दी का पाउडर। तो यहाँ पे आपको जो आपकी किचन की हल्दी होगी ना, उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं ना जो कि हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप 2-4 हल्दी गांठ वाली लीजिए, उसको पाउडर बना के अपने स्किन के लिए एटलीस्ट रख लीजिए, जैसे कि मैंने रखा हुआ है। तो मैं अपने गाँव गई थी तो मैं ये पाउडर लेकर आई हूँ वहां से, जो कि घर में ही बनाया जाता है। तो ये पाउडर आपको थोड़ी सी डालना है, बिल्कुल ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये आपके चेहरे को पूरी तरह से पीला कर देगा। तो आपको यही हल्दी का यूज करना है। अब थोड़ा सा हल्दी मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे के बाद ये जो हमारा सॉल्यूशन है हमारे स्किन को फेयर करेगा, हमारे फेस को फर्म टाइट करेगा, हमारे स्किन से रिंकल्स फाइन लाइंस को हटाएगा, झुर्रियां आने लगी हैं। तो आप इसका यूज करिए रेगुलर, आप देखेंगे देखते देखते ही आपके स्किन पे कितना ज्यादा आपको फर्क नजर आएगा। तो अभी हमारा सॉल्यूशन है बनके तैयार है, अब इसे हमें अपने चेहरे पे लगाना है। इसको लगाने के लिए आपको एक कॉटन बॉल चाहिए होगा, जिससे कि आपके फेस पे लगाने में बहुत ही ज्यादा इजी होगा। दोस्तों तो इस तरह से आप एक कॉटन बॉल को इसमें डिप कर लीजिए और डिप करके आपको इसे अपने चेहरे पे लगाना। तो ये देखिए अभी जो मेरा फेस है काफी ज्यादा आपको येलो लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें हल्दी का यूज किया है। हल्दी आपके स्किन के कलर को बहुत ही ज्यादा फेयर करती है। आपके स्किन पे अगर कोई भी डैमेज हुआ है, आपके स्किन पे कुछ भी कटने का निशान है या फिर पिंपल्स है ना, हल्दी उसको भी अच्छे से ठीक कर देती है। और इस रेमेडी को लगा के आपको अपने फेस पे ज्यादा टाइम नहीं रखना है, मतलब मैक्सिमम आपको 10 मिनट ही रखना है, क्योंकि जब इसको ज्यादा रखिएगा ना तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाएगी। क्योंकि जो फिटकिरी है ना, इसका एक ही डीमेरिट है गाइस, ये आपके स्किन को काफी ज्यादा ड्राई कर देता है। तो आप इसको लगाएंगे, लगा के आपको इसे 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पे छोड़ना है। उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश करिएगा। उसके बाद आपको कोई सा भी मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल या फिर कोई फेशियल ऑयल हो या कोकोनट ऑयल से आपको अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है।
क्योंकि जो स्किन मॉइस्चराइज रहती है, हाइड्रेट रहती है, उस स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी नहीं आते हैं। तो बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई रेमेडी करिए तो उसका पूरा ध्यान रखिए। आपको उसे कैसे लगाना है, कितना टाइम तक रखना है, कब लगाना है, ये सारी चीजों का प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे बात है हमारे फेस का, हमारे स्किन का, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो बस आपको 10 मिनट के बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। तो 10 मिनट के बाद हमने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया। अब जरूरत है यहाँ पे आपको अपने स्किन का ध्यान रखने का। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई कर देती है। तो यहाँ पे तो इस तरह से एक कॉटन पे आप थोड़ा सा रोज वाटर ले लीजिए और अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए। तो ये जो रोज वाटर है ना, समर सीजन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है हमारे स्किन के लिए, पूरी तरह से फ्रेश कर देती है हमारे स्किन को। तो रोज वाटर लगाने के बाद जब ये रोज वाटर आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, तब आपको यहाँ पे यूज करना है एलोवेरा जेल का या फिर किसी भी मॉइस्चराइजर क्रीम का। तो एलोवेरा जेल को आपको अच्छे से अपने स्किन पे फैला के लगा लेना है। लगा के बस आपको अपनी स्किन इस तरह से छोड़ देनी, आपकी जो स्किन है वो पूरी तरह से फर्म हो गई है, टाइट हो गई। आप इसको रेगुलर कर सकते हैं, आप मेल हो या फीमेल हो दोनों इसको कर सकते हैं। फिट क्रीम जो होती है ना हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। आप एलोवेरा जेल लगा के अपने स्किन को छोड़ दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो आप हमें अप्रिसिएट करने के लिए लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमारी वीडियो को भी बूस्ट मिल जाता है, मतलब हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। और अगर आप हमें कॉमेंट करके बताते हैं कि आप हमारी ये वीडियो किस जगह पे, किस सिटी से देख रहे हैं, तो हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।